यूपी के लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरेगा, 14 से 15 लड़ाकू विमान आज एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे, ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का लैंडिंग परीक्षण कराया जाएगा, ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। 7 अप्रैल को 3 घंटे ये विमानों का रिहर्सल चलने वाला है। एयरफोर्स के अफसरों ने उन्नाव पुलिस के साथ इसकी ब्रीफिंग भी की है। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। आगरा एक्सप्रेस वे पर आज लड़ाकू विमान उतरेगा, एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे, 14 से 15 लड़ाकू विमान एक्सप्रेस वे पर उतारे जाएंगे, ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि 14 से 15 लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतारे जाएंगे। आज एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का लैंडिंग परीक्षण होने वाला है। बता दें कि 7 अप्रैल को 3 घंटे तक विमानों का ये रिहर्सल चलने वाला है और इसको लेकर ही अफसरों ने उन्नाव पुलिस के साथ ब्रीफिंग भी की है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आगरा एक्सप्रेसवे पर आज लड़ाकू विमान उतरेंगे। बता दें कि लगभग 14 से 15 लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतारे जाएंगे। आज एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का लैंडिंग परीक्षण भी होने वाला है, ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। लगभग 14 से 15 लड़ाकू विमान एक्सप्रेस वे पर आ चुके हैं। ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज आगरा एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतरेगा, एयरफोर्स लड़ाकू विमान एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे, इसको लेकर अफसरों ने उन्नाव पुलिस के साथ ब्रीफिंग भी की है।